एक व्यापारी सुबह से किसी बात को लेकर गुस्सा था। ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले वो अपने मैनेजर को अपने केबिन में बुलाता है और उससे सारी काम की जानकारी मांगता है। मैनेजर बताता है कि कुछ काम अभी पेंडिंग में है। व्यापारी उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और अपना सारा गुस्सा उस पे उतार देता है। अब मैनेजर को गुस्सा आ जाता है। वो सारे वर्कर्स को बुलाता है और उन्हें अपने काम में तेजी लाने के लिए बोलता है और एक वर्कर को बहुत ही ज्यादा सुना देता है। वो अपना सारा गुस्सा उस वर्कर पे उतार देता है। वर्कर शाम को जैसे ही घर पहुंचता है अपनी पत्नी से पानी मांगता है। उसकी पत्नी काम में बिजी होने के कारण नहीं सुन पाती। अब उस वर्कर का पारा चढ़ जाता है। वो अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर उतार देता है। अब उसकी पत्नी का दिमाग खराब हो जाता है। पास में उसका बेटा खेल रहा होता है। वो उसको चिल्ला के पढ़ने के लिए बोलती है। बच्चा चुपचाप बाहर चला जाता है। उसका भी मूड खराब हो चुका था। वो एक पत्थर उठाता है और एक कुत्ते को दे मारता है। वो कुत्ता जाके रास्ते पर चल रहे एक व्यक्ति को काट लेता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो व्यापारी था जिसने इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत की थी। यही कर्म का चक्र है जो घूम फिर के आपके पास ही आता है। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमें फॉलो करें।